हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़ीसा के एक बहुत फेमस पीठा जिसको काकरा पीठा कहा जाता है, और ये बहुत टेस्टी भी बनता है। उड़ीसा के हर घर में ये बनाया जाता है एवरी फेस्टिवल में। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं बनाना काकरा पीठा। काकरा पीठा बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। पहले हम काकरा पीठा का डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पतीला रख दिया है पहले से ही गैस के ऊपर। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। जिस ग्लास में हमने पानी ऐड करा था सेम उसी ग्लास में हमें 1/2 ग्लास और चीनी इसमें ऐड कर लेना है, और चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। चीनी जब पानी के साथ एकदम मेल्ट हो जाएगा तब हम उसी सेम ग्लास में, जिस ग्लास में हमने पानी ऐड करा था उसी सेम ग्लास में 1 ग्लास सूजी इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि सूजी का लम्स ना बने। हमें इसको कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए चलाते रहना है। जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। जैसे हम हलवा बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इसको बनाना है। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे ये ठीक होने लग गया है। अब इसका कंसिस्टेंसी हमें इतना ही रखना है। ये ठंडा होने के बाद ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा डो बनने के लिए। इसको अब हम ढककर ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। अब हम काकरा पिठा का स्टफिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने 300 ग्राम छेना लिया है। छेना को हमने पहले से ही एक कपड़े में बांध कर 2 घंटे के लिए टांग के रख दिया था ताकि उससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल के बाहर आ जाए। अब हम छेना में 3 टेबलस्पून चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी ऐड करने के बाद छेना और चीनी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से छेना और चीनी ऐड हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। इलायची पाउडर से इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इलायची पाउडर को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यह आप देखो कितने अच्छे से इलायची पाउडर, शुगर और छेना मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा काजू डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये काकरा का स्टफिंग एकदम बनकर रेडी हो गया है। काकरा पिठा का डो के मिक्सचर को हमने प्लेट में निकाल के रख दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये अब ठंडा होने लग गया है। अब हम इसको गूंद के एक अच्छा सा डो बना लेंगे। इस मिक्सचर को गूंदने के टाइम थोड़ा सा आपको सावधानी से इसको गूंदना होगा। ऑलरेडी ये जो सूजी का हम डो बनाए हुए हैं ये बहुत सॉफ्ट रहता है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा, अगर ये आपके हाथ में चिपके तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर हाथ में इसको गूंद लेना है। हाथ में अगर ऑयल लगा के हम इसको गूंधेंगे तो ये हाथ में ज़्यादा चिपकेगा नहीं और अच्छे से गूंध जाएगा। आप चाहो तो ये जो डो है उसको आटे में भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस है, लेकिन सूजी के जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आटे का डो बनाना है तो पानी में थोड़ा सा ऑयल या घी आपको डालना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा आटे के डो बनाने के टाइम। अब हम इसको अच्छे से गूंध लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमने ये डो को गूंध लिया है और कितना अच्छा हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए हम जितने बड़े साइज का पेड़ा लेते हैं यहाँ पर हमें उतने बड़े साइज का पेड़ा लेना है। अब हम हाथ से धीरे धीरे उस पेड़े को ऐसे कटोरी का शेप दे देंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखना है। अब हम इसकी कटोरी के अंदर ये जो छेना का स्टफिंग है उसको भर के चारों तरफ इसको धीरे धीरे सील कर देना है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और फटे ना। आप चाहो तो इस काकरा पिठा के अंदर नारियल का भी स्टफिंग दे सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप चाहो तो छेना को फ्राई करके भी उसका स्टफिंग दे सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह हमें काकरा पिठा को शेप दे देना है और सारे
हमारे जो डो है उसको इसी तरह बना लेना है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल को गरम करके रखा था। तेल को हमेशा हाई फ्लेम में गरम कर देना है ताकि काकरा पिठा जो है नीचे चिपके ना। तेल एकदम गरम हो गया है, अब हम एक एक करके सारे काकरा पिठा को इसमें डालकर इसे तल लेंगे। काकरा पिठा को डालने के टाइम थोड़ा केयरफुल होकर डालना है ताकि ये जो तेल है वो ऊपर ना आ जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। इसमें कुछ भी आप स्पैटुला बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो ये फट जाएगा। जब नीचे से ये ऊपर तैरने लगे तब इसको धीरे से पलटा देना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो धीरे से ही पलटाना है, नहीं तो इसका फटने का चांसेस बहुत है। ये आप देख सकते हो काकरा पिठा एकदम पकने लग गया है। जब ये ब्राउन कलर का हो जाए तब हम इसको निकाल देंगे। ये हमारा काकरा पिठा एकदम बनकर रेडी हो गया है, कलर भी इसका ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह हमें सारे काकरा पिठा को तल लेना है। काकरा पिठा उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस पिठा है जो कि उड़ीसा के हर घर में हर त्यौहार में बनाया जाता है। ये पिठा फ्राइड है तो इसको स्टोर करके 3 से 4 दिन तक रखा जा सकता है और इसको खाया जा सकता है। इसको आप ठंडा या गर्म कैसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन ठंडा में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारा काकरा पिठा हमारा बनकर एकदम रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा ये दिख रहा है, कलर इसका कितना अच्छा आ गया है। आप एक बारी ज़रूर हमारी ये काकरा पिठा वाली रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारी ये काकरा पिठा वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। Stay safe and stay connected always.